हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे और रुचि के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इतना तो जानता हूँ कि हर बच्चे का कभी ना कभी तो ये सपना रहा था कि वो चॉकलेट फैक्ट्री जाए और अनलिमिटेड चॉकलेट्स वहाँ से खाए और लेकर आए। तो ये जो सपना है ये इंडिया में तो शायद पॉसिबल नहीं है, पर अगर आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो वहाँ लिंट चॉकलेट फैक्ट्री में ये सपना आपका ज़रूर से पूरा हो जाएगा। कई यूट्यूबर्स क्लेम करते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री होती है और वहाँ जाके आप कितनी भी चॉकलेट खाइए लेकर आइए, पर ये सच नहीं है। इसकी एंट्री फीस है अराउंड 1500 रुपीज़ और 7 साल के बच्चों तक के लिए बिल्कुल फ्री होता है। और ये जो एक्सपीरियंस है ये वन ऑफ अ काइंड है। मुझे नहीं लगता कि किसी कोई और कंट्री, जहाँ तक मैं जिन कंट्रीज़ में गया हूँ वहाँ पर ये ऐसा कोई एक्सपीरियंस मुझे लेने को मिला। बट स्विट्ज़रलैंड के अंदर जब आप लिंट चॉकलेट फैक्ट्री में जाएंगे तो आप अनलिमिटेड चॉकलेट्स ट्राई कर सकते हैं और लेकर आ सकते हैं। और चॉकलेट्स के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलती है, आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप जगह जगह डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स को टेस्ट कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि जैसे चॉकलेट्स है ना सिर्फ 2-3 टाइप की होती है क्योंकि वही हमने मार्केट में देखी थी, बट यहाँ जाके मेरा परसेप्शन पूरा ही चेंज हो गया। लिंट चॉकलेट फैक्ट्री में जब आप जाते तो आपको एक चीज़ और रियलाइज होती है कि इनकी हिस्ट्री जो है वो कितनी सेलिब्रेटेड है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही नहीं बाहर भी। उसके अलावा मैंने ये देखा कि कितनी ये पुरानी फैक्ट्री है और आज आप देखिए जहाँ मैं रहता हूँ जयपुर में वहाँ पर भी इनकी चॉकलेट्स अवेलेबल हैं। तो कितनी सक्सेसफुल कंपनी है एंड नो डाउट आई हैव ऑलवेज लाइक द चॉकलेट्स, मुझे बहुत अच्छी लगती आई हैं इनकी चॉकलेट्स। और आज इनकी मार्केटिंग और इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप देखिए कि मैं जहाँ रहता हूँ जयपुर राजस्थान में इंडिया में वहाँ पे भी इनकी चॉकलेट्स आपको मिल जाती हैं। और ये पूरा हिस्ट्री थी जिसमें दिखाया गया कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हाउ द पैकेजिंग गॉट चेंज्ड, चॉकलेट्स के साइज़ कैसे बदले, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ज़रूर से लेनी चाहिए। उसके अलावा आप आगे जाके देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि जगह जगह आप कैसे चॉकलेट्स को ट्राई कर सकते हैं, बस चम्मच लगाइए और खाइए। तो क्या ये सपने की तरह नहीं है? बिल्कुल जी, सपने की तरह ही है। और अगर आप थोड़े भी, मतलब जैसे मैं तो चॉकलेट्स का बहुत दीवाना हूँ, पर अगर आपको थोड़े भी चॉकलेट्स का टेस्ट अच्छा लगता है तो ज़रूर से आपको यहाँ जाके मज़ा आएगा। कुछ लोग आपको ज़रूर से कहेंगे कि वो तो बच्चों की जगह है जैसे लोग कहते हैं, पर अपने अंदर का बच्चा कभी ना मारिए और ज़रूर से इस फैक्ट्री में जाइए और इस चीज़ को ट्राई करिए। बहुत ही गज़ब की ये एक फैक्ट्री है, बहुत ही यूनिक एक एक्सपीरियंस ये आपको प्रोवाइड कराएगी जब आप यहाँ जाएंगे। और आप लोग देखिए कितनी अच्छे यहाँ पर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छे से करा हुआ है। उसके अलावा देखिए आप चॉकलेट ऐसे ले सकते हैं जगह जगह, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और बड़ी टेस्टी चॉकलेट, फ्रेश चॉकलेट का तो मज़ा अलग ही होता है। तो जब आप लोग जाएंगे तो आपको इसमें बड़ा मज़ा आएगा कि फ्रेश चॉकलेट का टेस्ट जब आप लेंगे तो उसमें आपको एक अलग ही फील आएगा। और बच्चे तो यहाँ जाके ज़रूर से देखिए पागल होने वाले हैं, ये मैं आपको पहली डिस्क्लेमर दे दूँ, क्योंकि जब बच्चों को यहाँ शॉपिंग करने का मौका मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने हाथ को रोक पाएंगे, इनफैक्ट आप भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग शॉपिंग कर रहे हैं। आगे जाके एक शॉप है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, वहाँ से आपका ज़रूर पेमेंट लगेगा। तो ये देखिए ये सब चॉकलेट्स हमने खाई हुई हैं ओवर द टाइम, तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसी फैक्ट्रीज में आपको डायरेक्ट ये देखने को मिल जाए। देखिए ऐसे आप हाथ लगाइए इस मशीन के अंदर और आपको कॉफ़ी, आपको चॉकलेट्स मिल जाती हैं। ये है वो शॉप जिसकी मैं बात कर रहा था। तो गाइस अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए चॉकलेट लवर्स के बीच में, और या फिर जो लोग स्विट्ज़रलैंड जाने का सोच रहे हैं उसके अलावा लाइक तो प्लीज़ कर दीजिए चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसा यूनिक कंटेंट अभी आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और पास में हमने कई कंट्रीज़ को कवर करा है जैसे कतर, दुबई, थाईलैंड, तो आपको वो सब और भी कई यूनिक एक्सपीरियंसेस आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा। देखिए कैसे अलग अलग टाइप की पैकेजिंग में चॉकलेट्स जा रही हैं। तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ यूनिक लगी। और उसके अलावा अगर आप लोग जाने का सोच रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के ट्रिप में तो प्लीज़ इसको मिस आउट नहीं करिएगा, ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो मेरे हिसाब से एक बार अपनी लाइफ में आपको ज़रूर से जाना चाहिए। देखिए कितनी टाइप की चॉकलेट्स हैं, आप लोग देखिए ऊपर
अलग अलग कलर्स में, और हम क्या सोचते हैं, सिर्फ दो चार टाइप की चॉकलेट्स आती हैं मार्केट में, देखिए अलग अलग फ्लेवर्स, और बहुत ही शानदार जगह। यहाँ पर जाके तो वापस घर जाने का मन ही नहीं करेगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, दो चार घंटे पहले आप कुछ मत खाइएगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।